क्रिकेट के सट्टे का कारोबार करने वाले शहर के कुख्यात सटोरिए दिलीप खत्री को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सटोरिया दिलीप खत्री विगत 3 माह से फरार था, जिसकी तलाश की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने दिलीप खत्री को सिविल लाइन क्षेत्र में लग्जरी कार में घूमते हुए पकड़ा। उसे फिलहाल कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया है। दिलीप खत्री दुबई से क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले सट्टा किंग सतीश सनपाल का सहयोगी है। क्रिकेट के ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले कुख्यात सटोरिए दिलीप खत्री को गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोच लिया। दिलीप लग्जरी कार में सिविल लाइन इलाके में घूम रहा था, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिलीप खत्री को कोतवाली पुलिस के हवाले किया है। बताया जाता है कि दिलीप खत्री बीते 3 माह से फरार था। दिलीप फरारी के दौरान जबलपुर से बाहर रहकर भी IPL क्रिकेट मैचों पर बुकियों और खिलाड़ियों को ID उपलब्ध करवाकर क्रिकेट सट्टे का ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार चला रहा था। इसके विरुद्ध थाना उमती, कोतवाली, लाडगंज और गोहलपुर में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। इन मामलों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। सूचना मिली तो उनको फिर कार से उतार के उनको अरेस्ट की गई है। उनसे पूछताछ करके उनके 1 दर्जन से अधिक बैंकों में खाते थे, उन खातों को सीज करके लगभग 16 लाख रुपया सीज करा दिया गया है। उनका नवल नगर में एक आलिशान मकान था, उसको भी 3 मंजिला, उसको भी जमींदोज करा दिया गया है और विभिन्न थानों से उसकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि क्रिकेट के सट्टे की अवैध कमाई से अर्जित 16 लाख रुपए की रकम दिलीप खत्री ने विभिन्न खातों में जमा कराई थी, जिसे पुलिस ने सीज कराने की कार्रवाई की थी। इसके साथ ही सट्टे की अवैध कमाई से इसके द्वारा नर्मदा रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आलिशान 2 मंजिला प्रतिष्ठान को भी पुलिस और प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था। दिलीप खत्री सट्टा किंग सतीश सनपाल के मुख्य सहयोगियों में से एक है।